सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। जिला फतेहगढ़ साहिब में पढ़ते स्टील सिटी मंडी गोविंदगढ़ में चीमा हाउस में बाई लार्ज फिल्म टीम खास तौर पर पहुंची। इस मौके पर अभिनेता बिन्नू ढिल्लो भी विशेष तौर पर पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए पंजाबी फिल्म अभिनेता बिन्नू ढिल्लो ने फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रोडक्शन हाउस की पहली मूवी है जी बाई लार्ज। साढ़े प्रोडक्शन हाउस का नाम है जी नॉटी मैन प्रोडक्शन। तो वो 6 अक्टूबर को मूवी रिलीज होनी है, 6 अक्टूबर की साड़ी। तो बहुत वधिया मूवी बनाई है, बड़ी मेहनत नाल मूवी की है जी। प्रोडक्शन हाउस की पहली मूवी है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। बाई लार्ज एक ट्रैक्टर है जी, विंटेज ट्रैक्टर से जरा इंपोर्ट होकर 64 के रशिया तो इतने इंडिया आया सी। जट नाल रिलेशनशिप होता जी, किसान नाल रिलेशनशिप दिखाया गया साडी मूवी दे विच बाई लार्ज दे विच। भी एक किसान दे नाल किसान नूं रिलेशनशिप उहदे नाल की है, जिहड़ा जट है जी, जिहड़ा किसान है, वो बाई लार्ज नूं ट्रैक्टर नूं आपदा बाप समझदा है। तां ही साडे विच एक डायलॉग भी हैगा भी मेरे लई ट्रैक्टर नहीं साडा लाने नाल है। फिर मेरे जिहड़ा मेरे फिल्म दे विच जस गरेवाल उहनां दी लिखी हुई मूवी है, जिन्हां ने जट जेम्स बॉन्ड लिखी सी पहलां। उस तों बाद उहनां दी आई सी साडी आह बब्बू गाठ रब का रेडियो, वह सारे उन्होंने लिखी हुई मूवीज ने। तो उदू बाद जी डायरैक्ट की उस सतीश चौधरी जी ने डायरैक्ट की है जी। तो कास्ट बड़ी प्यारी है जी, मेरे देव करौड़ भीर है जी, गांधी के गैंगस्टर तुम सारे ने सराही है जी। उस तो बाद करमजीत अनमोल सारे वो रोल तुम पसंद करते हो। गुलाब मासी साढ़े जेडे निर्मल ऋषि मैडम जो थिएटर तो है सारे ने, है जी। फिर उस तो बाद जग्गी धूरी थिएटर का आर्टिस्ट है जी, बड़ा वधिया वो साढ़े नाल। एक रवनीत मांगड़ जो कंटीन्यू मटीर के आता जी मुंडा, वो भी इस बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस मूवी के। सो बड़ा वधिया पैकेज है सारे जी, बहुत कमाल की मूवी बनी है। 2 घंटे 15 मिनट की मूवी है, सारे जने तृप्त होकर उठोगे जो आओगे तो कहोगे जिंदगी। मेरा रोल ये मैं थोड़ा जहा हटके किरदार प्ले किया जी, जिमें रुपिंदर गांधी द रॉबिन हुड बनाई सी, तो मेरा एज ए लीड डायरेक्टर से बड़ा पॉजिटिव से। ये थोड़ा जहा ग्रे शेड है क्योंकि मैं खुद भी चाहना कि मैं एको इमेज के ना बनया रहा, एक किरदार ना करा। थिएटर के कलाकार हैं, सो यह है कि अलग अलग जो किरदार ने करके दिखाई इंडस्ट्री में, ताकि थोड़े बहुत साढ़े भी नज़र पवे चंगे प्रोड्यूसर की चंगे डायरैक्टर की। सो एक बड़ा वधिया किरदार है जी, मैं बिनू भाई का थैंक्स करता क्योंकि इन्होंने मैं ये रोल ऑफर किया और बड़ा मज़ा आया करके ये किरदार, क्योंकि हीरो की वैल्यू उदो पैंदी है जो विलन स्ट्रोंग हुंदा। सो इस फिल्म का जो करमे का किरदार है जो थोड़ा जा नैगेटिव नहीं कह सकते, ऑडियंस को नहीं पता लगना कि यह किरदार नैगेटिव है, तो उस किरदार करके जो हीरो का किरदार है वह उठता नैगेटिव करके हमेशा ही, चाहे भावें अमरीश पुरी हो रही जो होंगे सके आप विलन उन्होंने देखते रहे तो अमिताभ बच्चन की वैल्यू पैंती सी ना जी। सो इस फिल्म के किरदार जरूरी सगा करमे का, इस तरह का किरदार है जी मेरा पूरी तरह। असं खैर बहुत पुराना काम करते हुए जी, मैं बिनू भाई जी बहुत पुराना साथ है, वड्डे भरा की तरह ने मेरे, तो असी पहला जुगनू मस्त मस्त इकट्ठे करते होंगे सी। भगवंत भाई जी बहुत सारे असं शो किए ने बाहर भी कॉमेडी के, फिर साडा जिहड़ा असी परदे दे उत्ते असी पहला सीरीयल भी किया, गुरु पसंद सीरीयल सी उहदे विच वी असी इकट्ठे काम किया। फिर गुल्ला पट्टी दे विच वड्डी स्क्रीन असी फस्ट टाइम शेयर की सी, दोवां ने ब्रदर का रोल छोटे ब्रदर का रोल मैं प्ले किया सी। सो हुण मैं इन्हां दे ओपोजिट आ रहा जी, नैगेटिव किरदार दे विच थोड़ा जिहा ग्रे शेड करैक्टर हैगा। ये बाई जी ने पुछा कि किरदार है करमे, करमा हैगा जी पैशनेट आ, बंदा हार बर्दाश्त नहीं हैगी, जिवें काके हुंदे आ ना किसे पिंड दे विच अपने आप नूं कहण गाउण वाले थोड़े जिहे। मंडी गोविंदगढ़ से न्यूज 89 की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।